तो आज हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं सर। और मनोज कुमार जी रहते हैं झारखंड में, जमशेदपुर में सर। हाँ, कई लोग जमशेदपुर से इलाज करा के गए हैं सर। सर आप आए, आपसे शायद जमशेदपुर से टाटा नगर भी बोलते हैं ना उसको। हाँ 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 टाटा नगर। तो अभी जो है ना 20 दिन पहले एक और हैं वो करा के गए। तो आप हमारे पास आए थे तकरीबन 3-4 महीने पहले, जितना मुझको पता है, पहले मैं आपको बता दूं सर। सर मैं आया थे। हाँ जी हाँ जी। तो आप आए थे तो आपने हमसे चेकअप कराया और हमने कहा कि आपका सीटी स्कैन कराया, फिर हमने सीबीसीटी, हमने देखा भाई दांतों की स्थिति तो बहुत खराब है सर, तो आपको जल्दी से करा लेना चाहिए। जी अब जो भी आपका वो रहा परेशानी रही, आप जो है ना जो यहाँ मरीज और करा रहे थे इलाज, इम्प्लांट लगवा रहे थे, दांत लगवा रहे थे फिक्स वाले, उनके आप नंबर वगैरह ले गए होंगे, उनसे बात की, जो भी आपको उन्होंने बताया वो तो आप स्टोरी बताएंगे। और फिर बहरहाल आपने हमको संपर्क किया अब आकर के कि सर अब हमको कराना है। तो आप आए, हमने इम्प्लांट किए, लेकिन बड़ा ही ये ताज्जुब की बात है कि 3-4 महीनों में ही पारिया जो है ना बड़ी घातक बीमारी है सर। जी हाँ सर, मुझे भी कभी कभी विश्वास नहीं होता कि 3-4 महीने में कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हड्डी और खराब हो गई। जी सर। अब अच्छा ही बात यह है कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि जितनी भी दुनिया में तकनीक होती है वो सब हम इम्प्लांट के कर लेते हैं। तो ये है कि भाई खराब से खराब केस अगर हो गया या तो भी हम कर लेंगे उसको। तो हमने फिर आपके जायगोमा इम्प्लांट लगाए, चीक इम्प्लांट, टायरॉइड इम्प्लांट, वो सब लगा करके हमने, और आपको फिर भी हमने दांत आपको अपना जो भी थोड़ा सा टाइम हमने जरूर 2-4 दिन एक्स्ट्रा लिया। और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज्यादातर लोग बड़ी जल्दी मचाते हैं, तो आपने बड़ा पेशेंस रखा भाई। हम कहते हैं मरीज थोड़ा, हमने कहा है 7-10 दिन, लेकिन थोड़ा अगर खराब केस है जितना हमें ज्यादा टाइम देंगे उतना बेहतर करके देंगे आपको। ठीक है, आपने काम हमारे करने की प्रक्रिया देखी भी होगी सर। तो हमने आपके फरहाल, अब आपके दांत लग गए। जी हाँ सर। खाना खा के कैसा लगा सबसे पहले ये बताइए, इतने समय बाद। बहुत अच्छा। क्या क्या खाया आपने नए दांतों से? नए दांतों से सबसे हमको जो हार्ड लगता था नान। अच्छा, पहले? हाँ तो नान बड़े मजे से खाए, 4 नान। अच्छा। और सब्जी खाया, मटर पनीर खाया जी, सिर्फ नट्स को छोड़ के सब, बाकी जो जो मन किया वो सब खाया। मुझे लगता है शायद कई सालों से इस तरीके से खाना आप जो है ना मन पसंद नहीं खा पाए। हाँ नहीं खाया। तो कैसा लगा इतने सालों बाद जो है ना खाना चबा कर, लगा दूसरी नई जिंदगी मिल गई? जी यस सर, बहुत अच्छा लगा सर जी। तो दांतों के बिना देखिए सब कोई जिंदगी तो है नहीं। नहीं सर, है ना, लोग कहते हैं जिनके रहते हैं वो संभाल के नहीं रखते, तो ये है कि लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अरे निकाल दो, चलने दो, पारिया है तो खींचने दो, देख लेंगे, तो वो स्थिति जो है ना बड़ी खराब हो जाती है कभी। कुछ लोग व्यस्तता के चक्कर में नहीं करा पाते, कुछ जिनको जानकारी नहीं होती तो वो नहीं करा पाते, तो बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो अब आप हमको एक तो रियल स्टोरी बताइए कि जैसे आप हमको दिखा के गए, उसके बाद क्या कैसे आपने डिसाइड फिर से किया कि हमें यही कराना चाहिए, थोड़ा सा बताइए आप, तो अपना जो मन की बात है वो बताइए। एक्चुअली सर हम वहीं में आया विजिट किए आपके पास जी, और दिल्ली में हम 5-6 जगह विजिट किए, दिल्ली गए। हाँ ठीक है, जयपुर में भी मैं कंसल्ट किया। अच्छा, मुंबई में भी कंसल्ट किया। अच्छा, और जब 2-3 महीना इस सब चीज के चक्कर में लग गया, फिर एक हम जिस समय आए थे उस समय एक पटेल जी करके हुआ करते थे जी, वो लगाए थे। हाँ। उनके कांटेक्ट में हम रहे जी, पटेल जी बोले कि मनोज जी आप जितना जल्दी हो वहाँ लगवा लीजिए। हाँ। वहाँ या जहाँ आपको अच्छा लगे। फिर पटेल जी से थोड़ा हिम्मत मिला, डर लगता था कि दांत में दर्द कहीं ज्यादा तो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, स्वेलिंग तो नहीं हो जाएगा, पूरा रियर सब चीज का बहुत भीतर से डर था। और ओवरऑल सर हम लास्टली डिसाइड किए कि मैं आगरा में ही करवाऊंगा और आप ही से करवाऊंगा सर जी। नो डाउट सर, टाइम मेरा आप ज्यादा किल कर दिए हैं, क्योंकि हम एस्टिमेट लेके आए थे 9 से 10 दिन का मैक्सिमम, और मुझे लग गया 14 दिन। वही मैंने सबसे पहले यही कवर किया जी, जी, क्योंकि आपने पटेल जी से बात की होगी तो उनका जल्दी हुआ होगा। हाँ। बाकियों का भी जल्दी होता है। हाँ। आपके सामने एक मुंबई के पेशेंट करा के गए सर, ठीक है, जब आप आए उसके 2 दिन बाद उनके दांत लग गए। हाँ। उनका हमने 7 दिन में करीब निपटा दिया, 7 दिन में उनके ऊपर नीचे के सब दांत लग गए थे, 7वें दिन तो वो निकल गए। तो अब क्योंकि हड्डी अच्छी थी, मेरा कंडीशन खराब था, तो आपका कंडीशन खराब था, तो ऐसे केसेज में
मैं भी थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखता हूँ, जी हाँ जी हाँ, कहीं पर रिस्क नहीं लेता, नहीं नहीं, मुझे जब तक एक्यूरेट फिटिंग नहीं मिलती वन बाई वन करके करता हूँ, जिससे कि भाई मेरे पेशेंट का लुक भी अच्छा है, चबाने का अच्छा है, क्योंकि हड्डी अगर कमजोर है तो हमको थोड़ा सावधानी बरत के चलना चाहिए। अब क्योंकि आगे जिंदगी में चबाना है तो अभी दो चार दिन थोड़े से ज्यादा लग जाए, बहुत काउंट नहीं करना, काम अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर टाइम लग गया तो, आपका काम जो है थोड़ा, लेकिन मैं करना अच्छे से चाहता हूँ। हाँ तो ये है, तो कैसा लगा, मतलब अब जो अब आप तो कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा लगा सर, है ना, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, सही डिसीजन रहा, ऐसा तो नहीं कि डिसीजन सही रहा सर, हम भगवान के शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि सर हम सही जगह पे हमको भगवान ला दिए और सही से मेरा ट्रीटमेंट हो गया सर। यहाँ रुकने में कहीं पे कोई परेशानी, होटल वोटल खाना पीने का, लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ रुकेंगे जा करके, यहाँ प्रॉब्लम तो हमको सबसे पहले डर हुआ मुंबई में, जहाँ बात कर रहे थे खाना क्या खाएंगे, फिर आगरा में हम देखे सर एक फैसिलिटी है, हमें होटल में खिचड़ी भी मिल गई, क्योंकि हर चीज खाना नहीं था, और बहुत बेहतरीन होटल्स वगैरह भी हैं सर, रहने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजनेबल रेट भी है, ये नहीं कि 8,000-10,000 के होटल, 2,000 से लेके 4,000-5,000 तक में बेस्ट, बढ़िया होटल मिल जाते हैं। छोटा शहर है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे तरीके के होटल हैं, अपनी इच्छा से हिसाब से, हाँ हाँ जी हाँ जी, तो ये है, और खाने पीने की भी अच्छी सुविधाएं हैं, प्लस ट्रेन का भी सुविधा है, यहाँ से दिल्ली के लिए बेस्ट है, इवन बैंगलोर के लिए फ्लाइट वगैरह भी अवेलेबल है, ये सब सुविधा है, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और आप आराम से अपना खाइए चबाइए सर, सर सर, ठीक है, हमें चुनने के लिए धन्यवाद, नहीं आपने इतने डेंटिस्ट में से हमें चुना, भगवान के लिए धन्यवाद, भगवान हमको यहाँ भेजे इसलिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ सर। खाइए चबाइए अच्छे से, घर जाइए सर, सुरक्षित जाइए, बढ़िया से खाइए सर, ठीक है, चलिए नमस्कार, नमस्कार।